नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह टाइंग, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि बाइसेप को ग्रो तेजी से कैसे करें, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक था कि बाइसेप को ग्रो कैसे करें, क्योंकि कई लोग होते हैं और जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बार बार, और फिर उनकी शिकायत रहती है कि हमारा जो बाइसेप है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जैसे उनको आप फॉलो करके आप अपनी बाइसेप को तेज़ी से ग्रो कर पाओगे, और आपकी जो शिकायत है कि ग्रो नहीं कर रहा है बाइसेप, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो कई बार होता क्या है कि जैसे कि जिम जाते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप को ग्रो करेंगे, तो ज़्यादातर लोग क्या फोकस बाइसेप पे रखते हैं कि बॉडी बॉडी का नाम लेते ही यही याद आता है, ये बॉडी देखो। तो आज अपन ने बाइसेप किया, कल फिर बाइसेप किया, परसों फिर बाइसेप किया, ऐसे करके क्या है कि डेली की डेली जो है आप उसी बॉडी पार्ट को रिपीट करते रहते हैं, बाइसेप। तो यह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने आज बाइसेप एक्सरसाइज की, तो उससे क्या है कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, तो उससे हमारे मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और जब टिश्यू ब्रेक होते हैं तो उनको रिपेयर होने के लिए भी टाइम चाहिए। जब टिश्यू ब्रेक होगा फिर वो रिपेयर होगा, तब अपना मसल्स गेन करेगा या साइज बढ़ेगा। अपन करते हैं कि आज अपन ने एक्सरसाइज की, अपना टिश्यू ब्रेक हुआ, कल फिर दोबारा वो एक्सरसाइज की, उसको रेस्ट नहीं दिया, उसको वापस रिपेयर होने का अपन ने टाइम नहीं दिया, और फिर उसको अपन ने वेट दे दिया तो वो रिपेयर नहीं हुआ, और वो रिपेयर नहीं हुआ इसका मतलब अपना जो बाइसेप है वो ग्रो नहीं करेगा, अपना जो गेन नहीं करेगा बॉडी का मास। तो इसको रेस्ट जरूरी है। जब भी एक्सरसाइज करें, बाइसेप ही नहीं किसी भी बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको आप कम से कम 2 दिन या 48 आवर्स का समय दीजिए रिपेयर होने के लिए। और नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अपन कई बार क्या कि एक्सरसाइज कहीं तो बॉडी पार्ट लेके चलते हैं, कई एक्सरसाइज करते हैं जैसे पूरी सारे बॉडी पार्टों की एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी सभी करते हैं, तो उसके अंदर आप 48 घंटे नहीं देके एक दिन का गैप देंगे, सभी बॉडी पार्ट करते हैं, तो उसमें क्या है कि अपने को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने एक ही दिन में सारे बॉडी पार्ट्स अपने एक्सरसाइज करते हैं, तो सभी का थोड़ा थोड़ा समय मिल पाता है, तो उनका ज़्यादा इतना लोड नहीं आता है, तो उनको आप 2 दिन की आवश्यकता नहीं है, उनको एक दिन में आप प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे आज अपने बाइसेप ही करना है, जैसे बैक और बाइसेप ले लिया, तो दो बॉडी पार्ट लिए तो अपन उसको अच्छे से करेंगे, लोड भी ज़्यादा देंगे, समय ज़्यादा देंगे तो अपना ब्रेक मसल्स टिश्यू ब्रेक भी ज़्यादा होगा, तो उसको रेस्ट का टाइम भी ज़्यादा चाहिएगा। तो इस तरह से अपन को डेली बॉडी पार्ट चेंज करना है एक्सरसाइज में, हमेशा एक ही बॉडी पार्ट नहीं करना। तो बाइसेप का एक्सरसाइज करते हो तो आप उसको बीच में 2 दिन का समय देवें, फिर 2 दिन बाद दोबारा बाइसेप का नंबर लेवें एक्सरसाइज में, जिससे क्या है कि 2 दिन का गैप मिलेगा, तो उसका बॉडी अपने जो बाइसेप के जो टिश्यू ब्रेक हुए हैं उनको रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा, वो रिपेयर हो जाएंगे, जिससे क्या है कि अपने रिपेयर होने के बाद ही बॉडी ग्रोथ करती है। टिश्यू है, टिश्यू टूटा और फिर वो रिपेयर हुआ तो उसकी साइज बढ़ गई। तो इस तरह से अपना बॉडी पार्ट बढ़ाने के लिए अपने को क्या है कि एक गैप देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन का बीच में गैप दें, दूसरे बॉडी पार्ट करें। तो इस तरह से अपन गैप दे के भी बॉडी अपने जो बाइसेप है इसको आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिम 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 करते रहते हैं अपन, खूब जिम किया, मैं खूब जिम करता हूँ, मैंने बहुत एक्सरसाइज की लेकिन मेरा बॉडी पार्ट गेन नहीं किया, मेरा बाइसेप गेन नहीं कर रहा। तो इससे क्या है कि जिम से ही केवल जिम से ही बॉडी नहीं बनेगी, केवल जिम से ही बाइसेप नहीं बनेगा। आप जिम करते हो तो जिम से ज़्यादा मैटर करता है आपकी डाइट, तो डाइट के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ाएं। जैसे कि आप जिम कर रहे हो तो जिम 30 या 40% ही काम करेगा, बाकी 70-60% आपका डाइट काम करेगा। अगर आप केवल जिम कर रहे हो, डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके बाइसेप ग्रोथ नहीं करेगा या कोई भी बॉडी पार्ट है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए जिम पे ध्यान दो, जिम से ज़्यादा डाइट पे ध्यान दो, तो अपना प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ा दो, जिससे अपना बाइसेप ग्रो करे। बॉडी प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन जैसे बॉडी वेट के हिसाब से लो, जितना आपका वेट है उससे 2 ग्राम प्रोटीन ले लो। जैसे आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 140 ग्राम आपका प्रोटीन होना चाहिए, अच्छी अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, या फिर आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉर्मल आप रख रहे हो, तो पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन का
जितना तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, तब जाके अपना बॉडी जो ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि बॉडी को अपन टिश्यू ब्रेक किया, टिश्यू ब्रेक होगा, टिश्यू ब्रेक हुआ उसको रिपेयर होने के लिए समय चाहिए, समय तो चाहिए, समय के साथ वो रिपेयर किस चीज़ से होगा? वो रिपेयर होगा अपनी डाइट से, डाइट के अंदर प्रोटीन से। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओगे तो रिपेयर थोड़ा जल्दी होगा और अच्छा रिपेयर होगा, जिससे क्या है कि आपका बाइसेप की साइज बढ़ेगी। तो इस तरह से हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज के बीच में समय देवें और अपने डाइट पर पूरा ध्यान देवें। इस तरह से आप टिप्स अपना के अपने बॉडी का जो पार्ट है बाइसेप, इसकी ग्रोथ तेजी से कर सकते हैं। या ऐसे कहें कि जो नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है, आप जैसे आप ही कर रहे हैं, आप ही करते होंगे, डेली की डेली एक्सरसाइज करते हो, तो आप अब यह टिप्स अपनाओगे, बीच में गैप दोगे 2 दिन का और अपने डाइट पे ध्यान दोगे, प्रोटीन का थोड़ा इंटेक ज़्यादा करोगे, तो उसमें फिर आपको फर्क बहुत जल्दी दिखेगा और आपका बाइसेप बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका प्यार अच्छा मिल रहा है, इसी तरह मेरे से प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।